भक्ति माता ने एक बड़ी सुंदर बात कही, त्रयाणाम से चारितम द्वि पुरुत्तम कुतस्थितम, हम तीनों को संग संग चलने का, हम तीनों को संग संग चलने की आदत है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों संग संग रहना चाहते हैं। इसी बात को देव श्री नारद जी संत कुमारों को बता रहे हैं, जो स्वयं भक्ति माता ने बात कही थी, घटते जरठा माता तरुणी तनयावित। ये कभी अच्छा नहीं लगता है कि माँ युवा हो और बच्चे बूढ़े हो, और यहाँ ऐसा ही हो रहा है। आपसे हमारी प्रार्थना है, हमारे बच्चों को युवा कर दीजिए। ज्ञाने नात्मनि पश्यामि सर्वमे तत्त्वानगे, नारजिन का साधी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख रहा हूँ, तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे नारद जी। और साधु के पास में यही सर्वोच्च साधना है, उसके पास में जो भी कोई आता है तो यही कह देता, हरि सतम ते करस्यति, हरि हरि सम ते करस्यति, यानी महात्मा यही कहते हैं कि भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, परमात्मा सब कुछ बढ़िया कर देंगे, आप टेंशन में मन जीना, आप चिंता ना करना, हरि ही सम ते करस्यति, भगवान सब ठीक कर देंगे। नारद कितना अद्भुत शब्द बोले, मुझे भागवत का यह शब्द बहुत अच्छा लगता है, हरि सम ते करस्यति, थोड़ी संस्कृत आप भी सीख लो, हरि सम ते करस्यति। हाँ, कभी कभी मोबाइल से मैसेज भी भेज दिया करो, हरि सम ते करस्यति, इसका अर्थ है कि भगवान सब कुछ अच्छा कर देंगे, भगवान सब कुछ बढ़िया कर देंगे, इसका यह अर्थ। नारद जी बोले भगवान सब कुछ अच्छा कर देंगे, सम शब्द सब कुछ, कुछ बका ही नहीं है, भगवान सब कुछ अच्छा कर देंगे, चिंता ना करो। ये बोल दिया सूत वाच, क्षण मात्रेण तज्ञाता वाक्यम मोचे मुनीश्वर। सूत जी कहते हैं नारद जी ने एक क्षण में ये सब कारण समझ लिया, तब नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, ये इतना सा जो कुछ हो गया है, तुम्हारे पुत्र बूढ़े हो गए हैं, सणस्वाभिता वाली युगो हम दारुण कली, ये सब कलयुग का प्रभाव है। तो उस देवी ने कहा कि कलयुग का ये प्रभाव है, तो राजा परीक्षित ने इसको जिंदा क्यों छोड़ा, इसको मार क्यों नहीं डाला। तब नारद जी ने कहा कि इसके अंदर एक गुण है, वो गुण ये है, कलौ केशव कीर्तनात्, इस युग में भगवान के नाम का उच्चारण करके ही जीव अपना आत्मकल्याण कर लेता है, इसके अंदर गुण। कल युग युग समान नहीं जो करे नर विश्वास, यदि कोई विश्वास कर ले तो इसके मुकाबले कोई युग नहीं हो सकता, क्यों, यहां थोड़े पर सब अच्छा हो जाता। कलकाल में गोस्वामी जी तो ये भी कहते हैं, कलकाल में मानसिक पाप नहीं लगता। अब मैं तो इसका प्रचार इसलिए नहीं करूंगा कहीं सब मानसिक अपराध ही करना आरंभ ना कर दें, कल युग में ये सब छूटें दी गई हैं, वृंदावन से संयोग पुनस्तम तरुणी न वह धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नत्यति अत्र चह। देवश्री नारद जी कहते हैं हम ऐसे वृंदावन को प्रणाम करते हैं जिसके संयोग के द्वारा भक्ति महारानी नाचती है।